हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन सुथार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो एक अकाउंट्स और टेली के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिकल तरीके से टेली और अकाउंट्स का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे और आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जब भी हम टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं, जो इंटरेस्ट का जो फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली ऑफ रहता है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट के फंक्शन को इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F11 यानी कि F11 और कंपनी फीचर में हमारे सामने जो पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है अकाउंटिंग फीचर का, इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद ये हमारे सामने ऑप्शन आएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का। अब आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट ये नो है, तो इस फंक्शन को हम यस करेंगे। हम इस फंक्शन को यस करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है भी एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, ये फंक्शन है जो यस रहना कंपलसरी है। तो मैं इसको एक्टिव इंटरेस्ट को यस करूँगा और यूज एडवांस पैरामीटर इसको भी मैं यस करूँगा और इंटर करते इसको मैं एक्सेप्ट यानी कि सेव कर दूँगा। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट का जो फंक्शन है वो इनेबल हो चुका है। अब हमें जिस कस्टमर पे या जिस कंपनी पे हमें इंटरेस्ट एक्टिव करना है उसको हम ओपन करेंगे उस लेज़र को, या आप न्यू क्रिएट कर रहे हो लेज़र को तो आप उसके साथ साथ ही आप इंटरेस्ट के फंक्शन को चालू कर सकते हो। तो मेरे पास लेज़र ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं उस लेज़र को ओपन करके उसको अल्टर करके चेंजिंग करूँगा। तो लेज़र मेरे पास है मुकेश कुमार, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा कस्टमर है इसलिए मैंने इसको अंडर सैलरी डेबिटर रखा हुआ है और इसमें हमारे सामने ये फंक्शन है जो ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये फंक्शन हमारा यहाँ पे तभी आएगा जब हम F11 यानी कि F11 हम जाके एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल यानी कि यस कर कराएंगे। तो मैं इस फंक्शन को यस करूँगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमें जब किसी कस्टमर पे इंटरेस्ट एक्टिव करना है तो इसमें ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, इसको भी यस रखना कंपलसरी है। तो मैं एक्टिव इंटरेस्ट को यस करूँगा तो हमारे सामने एक इंटरेस्ट पैरामीटर की एक विंडो खुल के आएगी। इसमें पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन, यानी कि आप प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कराना चाहोगे क्या, यानी कि आपने एक सामान आज बेचा, एक कल बेचा, एक परसों बेचा, तो आप प्रत्येक जो भी एंट्री आपके सामने आ रही है प्रत्येक एंट्री पे आप ब्याज लगाओगे क्या? तो बिल्कुल लगाएंगे। तो इस फंक्शन को मैं यस करूंगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारे सामने आएगा ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, यानी कि आप प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर अलग अलग टाइप की इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी करना चाहोगे क्या? अलग अलग टाइप के मतलब मान लीजिए आपके बिजनेस में कुछ ऐसे सामान होते हैं जो हम कंपनी से परचेज करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट हमें कम देना पड़ता है, लेकिन कुछ एक सामान ऐसे भी होते हैं वो जब हम सामान खरीदते हैं या उसके अगेंस्ट जब हम पेमेंट लेट देते हैं तो हमें ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर ऐसी भी कोई कंडीशन है तो हम इस फंक्शन को भी यस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंटरेस्ट का पार्ट वन बना रहा हूँ तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा। अभी हम कुछ ऐसे जो एडवांस जो पैरामीटर हैं उसको हम इनेबल नहीं करेंगे, ये जब हम पार्ट टू बनाएंगे यानी कि ओवरहेड एडवांस पैरामीटर क्या चीज़ है, इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये क्या चीज़ है, ये जब मैं इस इंटरेस्ट का पार्ट टू बनाऊंगा तो इसमें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम इसी को एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आज की वीडियो हमारी समझ में ना आए। इस तरीके से हम आज की वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस पैरामीटर का भी यूज़ करेंगे। तो मैं इसको इंटरेस्ट एक्सेप्ट करते इसको स्किप करके और सीधा रेट पर आऊँगा। अब रेट में हमें क्या डालना है, यानी कि आपने मुकेश कुमार का हम इंटरेस्ट रेट सेट कर रहे हैं तो अब मुकेश कुमार का ब्याज यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो रेट यानी कि आप किस परसेंटेज से आप ब्याज लेना चाहोगे। तो ये किसी भी कंपनी में कोई फिक्स नहीं होता, ये आपका ब्याज एक रुपये भी हो सकता है, डेढ़ रुपये भी हो सकता है, दो रुपये भी हो सकता है, ढाई रुपये भी हो सकता है, तीन रुपये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी कंपनी में कोई फिक्स नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन करूँगा वो दो रुपये यानी कि 100 रुपये के पीछे दो रुपये सैकड़ा जिसको हम बोल देते हैं।
तो जो 2 रुपये का सैकड़ा अगर हम किसी से ब्याज लेंगे तो टेली में उसकी परसेंटेज रेट हम डालेंगे 24, यानी कि 1 रुपये का 12%। 12% का मतलब 12 महीने हो गए, 1% का मतलब 100 रुपये के पीछे 1 रुपया 1 महीने का ब्याज। तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरे साल पे, तो हम इसको 24% रहेंगे, 12% का 1 रुपया तो 24% का 2 रुपया। तो जैसे हम इंटरेस्ट स्टाइल पे हम करेंगे तो हमारे साथ ऑप्शन आएगा इंटरेस्ट स्टाइल का, यानी कि आप ब्याज जो किस टाइप लेना चाहोगे, आप पूरे महीने का ब्याज लोगे या साल के हिसाब से, यानी कि डे टू डे ब्याज लोगे। अब दोनों में एक डिफरेंस ये रहता है भी, अब कई कंपनियों में ये रूल ये रहता है भी कोई कस्टमर हमें एक दिन भी अगर कोई लेट पेमेंट देता है, अब लेट का पेमेंट मान लीजिए किसी कस्टमर की पेमेंट है जो आपके पास 10 जून 2020 को आनी थी, लेकिन कस्टमर ने आपको पेमेंट दी है 15 जून को, तो कई कंपनियों में रूल ये रहता है भी जितने दिन लेट आई है उतने दिनों का ब्याज, यानी कि अगर डेज की कैलकुलेशन करें तो 5 दिन उस कस्टमर ने लेट हमें पेमेंट दिए तो 5 दिनों का ब्याज लगना चाहिए। लेकिन कई कंपनियों में रूल ये रहता है भी कस्टमर चाहे एक दिन भी पेमेंट लेट देता है, चाहे वो 5 दिन लेट देता है, तो ब्याज पूरे महीने का लगेगा। अगर आप पूरे महीने का ब्याज लगाओगे तो आपको 30 डेज मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप डेज का ब्याज लगाना चाहोगे यानी कि जितने दिन कस्टमर ने लेट पेमेंट दिए, तब आप 365 डेज ईयर सेलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे डेज की कैलकुलेशन करूँगा तो 365 डेज ये सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा इंटरेस्ट बैलेंस का, यानी कि आप जो ब्याज लगाना चाहोगे उसके क्रेडिट बैलेंस पे लगाना चाहोगे या उसके डेबिट बैलेंस पे लगाना चाहोगे। तो हम यहाँ पर हमें ऑल बैलेंसेस सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कस्टमर का पैसा हमारे पास एडवांस भी आ सकता है, तो अगर उसका एडवांस पैसा हमारे पास जमा है तो हो सकता है हमें उसका ब्याज भी देना पड़ सकता है। तो इसको ऑल बैलेंसेस पे करूँगा, एप्लीकेटेड में ऑलवेज सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन फिर हमारे को देखने को मिलेगा इंटरेस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि एक ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब हो गया जिस दिन आपने कस्टमर को सामान बेचा है उसी दिन से ब्याज लागू हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि जितने दिन आपके कस्टमर ने आपने छूट दे रखी है उसके बाद अगर कोई ड्यू होता है तब उस पर इंटरेस्ट लगेगा, या इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये दोनों का सेम ही मतलब, जिस दिन आपने कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करी है उसी दिन से ब्याज शुरू हो जाएगा क्या, तो वो आप पे डिपेंड करना है। अगर आप जितने दिन लेट हो गए लेट के हिसाब लोगे तो आपको ड्यू डेट पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप किसी कस्टमर को ये दे दिया भी आज आपने सामान सेल किया है और आपने इसको 5 दिनों की छूट दे रखी है, तो 5 दिन के बाद अगर कस्टमर लेट पेमेंट देते हैं तो उसके बाद अगर आपको ब्याज लेना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अगर आप ये चाहते हो जिस दिन कस्टमर आपसे सामान ले गया उसी दिन से ब्याज शुरू है, तब आप इसमें से ये सेलेक्ट करोगे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की। तो मैं ड्यू डेट के हिसाब से ले रहा हूँ, तो इसमें मैं इंटरप्रेस करूँगा और इसको राउंडिंग को नोट एप्लीकेबल करके इसको इंटरप्रेस करूँगा। इस तरीके से ये केवल मुकेश कुमार के एक पर्सनली लेजर पे हमने ब्याज की कैलकुलेशन जो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मुकेश कुमार को एक सामान सेल करेंगे और जो डेट हम ले लेंगे इसकी 15/6/2020, तो इनवॉइस नंबर हम इसको 001 दे रहे हैं, तो पार्टी का नेम मुकेश कुमार, और यहाँ पे हम शुगर इसको देंगे 10 किलो, और इसका रेट जो हम 50 रुपये लगा देंगे, तो लोकल की सेल है हमारी, तो इसमें हमारा आउटपुट टैक्स SGST रहेगा और आउटपुट टैक्स है जो हमारा SGST रहेगा। तो इस तरीके से ये 500 रुपये और 2 रुपये की बनेगी, हम इसमें राउंड ऑफ कर देंगे इसको 2 पैसे को, तो इस तरीके से ये टोटल 500 रुपये की इसकी अमाउंट जो बन चुकी है इस इनवॉइस की। और जब हम इसमें इंटरप्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा बिल वाइज डिटेल, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी करी थी। अब हमारे लिए न्यू रेफरेंस है तो हम इसको न्यू रेफरेंस में रखेंगे और इसमें हम टाइप करेंगे इनवॉइस 1, यानी कि हमने इसको पहला बिल दिया है, और ड्यू डेट अब हमें वो डेट यहाँ पर डालनी है कितने दिनों की आप छूट देना चाहते हो आप इसको। अब ये यहाँ पे दिखा रहे हैं WF, यानी कि आपका जो इफेक्टिव डेट है वो 15 जून है, 15 जून को आप इसको बिल दे रहे हो, हमने इसकी ड्यू डेट है वो दे दी 4 डेज, यानी कि 19 तारीख तक इसकी पेमेंट आनी चाहिए। अगर 19 दिन के बाद अगर इसकी पेमेंट आती है तो इस पर ब्याज लगेगा जितने दिन वो लेट है। तो और इसको मैं इंटर इंटर करके अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर में इस पर 24% के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, हम 24% ही इसको रखेंगे, और इंटर इंटर प्रेस करके इसको सेव करूँगा।
तो इसी तरीके से ये हमारा 15 तारीख था, इसका हमने एक 17 तारीख को एक इनवॉइस हम फिर सेल करेंगे। इनवॉइस नंबर हमारा 2 रह जाएगा, मुकेश कुमार हमारा कस्टमर है, 60 किलो दे दी और इसका जो रेट है वो 55 रुपये के हिसाब से हम इसको चार्ज कर देंगे। आउटपुट हमारा CGST हो जाएगा, आउटपुट SGST हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा न्यू रेफरेंस है, तो हम इसको टाइप करेंगे इनवॉइस नंबर 2, क्योंकि सेकंड इनवॉइस है और इसकी जो ड्यू डेट है वो मैं रखूँगा 3 डेज, यानी कि इसको 3 दिनों की छूट दे रहे हैं। तो 17 तारीख का जो हमारा इनवॉइस है तो 17 तारीख मतलब 20 तारीख तक इसकी ड्यू डेट रहेगी। और मैं इसको एंटर प्रेस करके, अब इस पे जो मेरे को इंटरेस्ट लेना है वो मेरे को यानी कि 1.5 रुपये के हिसाब से लेना है, तो मैं इसको यहाँ पे परसेंटेज करूँगा 18% और एंटर करके इसको मैं सेव करूँगा। तो इस तरीके इसके बाद मान लीजिए इसकी जो पेमेंट आई है वो 17 तारीख में हमारे पास पहली पेमेंट आ चुकी है, तो हमारी तरफ से ये रिसिप्ट वाउचर रहेगा। तो रिसिप्ट वाउचर हम इसको रसीद संख्या 1 देंगे, मुकेश कुमार। अब मान लीजिए इसने हमको 200 रुपये का भुगतान किया है, तो अगेंस्ट रेफरेंस, अब ये पूछेगा कौन से बिल के अगेंस्ट भुगतान किया है, तो दो इनवॉइस थे हमारे सामने, इसका मतलब ये पहले इनवॉइस के अगेंस्ट हमारे सामने आ रहा है, तो इसके पहले इनवॉइस के अगेंस्ट इसको 200 रुपये का हम क्रेडिट करेंगे और इसको सेव करेंगे। और जो सेकंड पेमेंट है वो हमारे पास आई है 20/6 को, तो इसकी मैं रसीद संख्या इसको हम 2 देंगे और मुकेश कुमार। और ये मान लीजिए इसने हमको पेमेंट दी है 300 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस। अब अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब ये जो 300 रुपये जो पहले बिल के अगेंस्ट जो बकाया पड़े थे इसके, यानी कि इसने फर्स्ट इनवॉइस है जो क्लियर करवा दिया, और इसको हम एंटर एक्सेप्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे। और इसके बाद जो इसकी जो पेमेंट आई है वो 21/6 को आई है, और रसीद संख्या इसको हम 3 देंगे, क्रेडिट मुकेश कुमार। अब मान लीजिए इसने हमको 1000 रुपये की पेमेंट वो देके गया अगेंस्ट रेफरेंस, अब इनवॉइस नंबर 2 ही रह गया क्योंकि पहला जो इनवॉइस है वो क्लियर हो चुका है, तो इसके अगेंस्ट हम 1000 रुपये इसको क्रेडिट करेंगे। अब मान लीजिए भी आज तक यानी कि 30 जून 2020 तक इसकी कोई पेमेंट नहीं आई है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर आज तक इसकी ब्याज की कैलकुलेशन हम देखें तो कितने रुपये का इसका ब्याज बढ़ेगा। तो ब्याज की कैलकुलेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्प्ले पर जाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे, और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर आपको लेजर वाइज देखना है तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे लेजर को, अगर आप वन टाइम देखना चाहो भी टोटल इंटरेस्ट आपने अभी तक कितना रिसीव करना है या पेबल करना है तो आप इंटरेस्ट रिसीवल और पेबल पे भी जा सकते हो। अगर आपने पर्सनली एक एक लेजर का चेक करना है तो आपको लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं लेजर पे करूंगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ में मुकेश कुमार 1 ही हमें दिखाई देगा क्योंकि अभी तक हमने मुकेश कुमार के ही इंटरेस्ट एक्टिवेट किया है, और इस पर मैं इंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में जो डेट हमारे सामने आ रही है वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 21 जून दिखा रहा है, लेकिन आज तक की कैलकुलेशन हमें करनी है 30 जून तक की। तो मैं इसको एल टैप 2 करके इसकी पीरियड चेंज करूँगा मैं, और इसको हम डेट दे देंगे 30/6 और इंटर प्रेस करूँगा। तो हमारे सामने इस तरीके की इसकी डिटेल आएगी खुल के। अब ये जो हम कोई डिटेल आ रहा है यानी कि 300 रुपये, अब 300 रुपये में जो 500 रुपये का जो हमारा इनवॉइस था उसके अंदर जो 200 रुपये की जो हमारी पेमेंट थी, यहाँ से हमें पता चलेगा 500 रुपये इनवॉइस। अब 500 में से जो 200 रुपये की जो पेमेंट थी वो हमारी टाइम पे आ चुकी थी, लेकिन जो 300 रुपये जो बकाया था वो हमारा 20 जून को आया है, यानी कि एक दिन लेट पेमेंट आई है। तो एक दिन के हिसाब से 24% के हिसाब से 20 पैसे का इसका ब्याज बनेगा। और जो हमारे साथ इनवॉइस नंबर 2 था जो इसकी जो फाइनल जो अमाउंट थी वो थी 3299 रुपये और 94 पैसे, और इसके अगेंस्ट में जो हमें दिखा रहा है पेंडिंग अमाउंट वो 2299 रुपये और 94 पैसे, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट अभी तक 1000 रुपये ही इसका आया है। तो इसके अगर ब्याज की कैलकुलेशन देखें तो सबसे पहले 3299 रुपये 94 पैसे का पूरे एक दिन का ब्याज लगाएगा, यानी कि वो इसको 1 तारीख तक 20 तारीख की इसकी पेमेंट आनी थी वो उसकी 21 तारीख को पेमेंट आई है, तो इसका 1.63 रुपये का ब्याज बनेगा। और उसके बाद में जो इसका रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 1000 रुपये आने के बाद में, अब इसका बैलेंस रहा 2299 रुपये 94 पैसे, वो उसको 22 तारीख की इसकी पेमेंट आनी थी, वो 30 जून तक अगर हम बात करें तो 9 दिन की कैलकुलेशन करेगा और 9 दिनों के हिसाब से 10 रुपये और 21 पैसे का ब्याज हमें बनाएगा। और जो टोटल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 रुपये और 4 पैसे टोटल इसका ब्याज रहेगा। तो यहाँ पर हमें टोटल इसका जो इनवॉइस की अमाउंट थी, टोटल जितने
हमने इसको गुड सेल की यानी कि 3799.94 के, और ये जो 2299.94 हमें दिखाई दे रहे हैं ये इसका रिमेनिंग यानी कि पेंडिंग अमाउंट है इसकी। अगर आप इसके लेज़र में भी जाके अगर हम देखेंगे तो हमें 2299.94 ही शो करेगा। तो लेज़र देखने के लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेज़र पर जाएंगे। इसमें से सेलेक्ट करेंगे मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार के अगर हम लेज़र की ट्रांजेक्शन देखें तो एक तो इसका 500 रुपये का इन्वॉइस था और सेकंड इन्वॉइस था 3299.94 का। अगर इसकी अमाउंट की बात करें तो 200 रुपये और 300 रुपये एक बार आए हैं इसके, यानी कि इसका 500 रुपये का बिल है जो यहाँ पे क्लियर हो चुका है और इस बिल के अगेंस्ट में अभी तक 1000 रुपये ही आया है। तो 3299 में से जो रिमेनिंग रहेगा वो 2299.94 का रहेगा। तो इसका 2299.94 का फाइनल यानी कि क्लोजिंग बैलेंस इसकी तरफ डेबिट रहेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम हमारी कंपनी जो रहती है जिससे हमारे सप्लायर्स है जिसे हम गुड्स परचेज करते हैं अगर वो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम लगाते हैं तो उस पर भी हम इंटरेस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी कस्टमर को या किसी भी पार्टी को अगर हम लोन देते हैं या लोन हम लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट रहता है उससे वही प्रोसेस रहेगा जिसे हमने मुकेश कुमार के ऊपर इंटरेस्ट का एक्टिवेट किया है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट के पार्ट 2 के साथ।